क्या रहना पड़ेगा। ये आप लोगों को चित्र देख रहे हैं आप लोग, ये प्रोफाइल फोटो है भारत के एमएचआरडी मिनिस्टर की, इनके स्टेटमेंट के आधार पर अब आगे डिस्कस करते हैं। केंद्रीय विद्यालय रिक्रूटमेंट 2019-20, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों के लगभग 6000 पद खाली हैं, जाने भर्तियों के लिए एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने क्या कहा है। ये वैकेंसी दोस्तों पिछले समय से भी खाली हैं और जब लास्ट सिलेक्शन हुए बच्चों के उनमें से भी काफी बच्चों ने रिजाइन किया, अलग अलग जगह ज्वाइन किया, तो उसके बाद इनकी संख्या और भी बढ़ चुकी है रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों के लगभग 6000 पद खाली हैं, जबकि नवोदय विद्यालय में 2800 कुछ यानी 3000 के आसपास पद खाली हैं। केंद्र सरकार द्वारा इन पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि हो सकता है कि सरकार सभी पदों की रिक्रूटमेंट एक साथ ना निकाले, बट जितना ज्यादा हो सकेगा उतने पदों को सिंगल टाइम में भरने की कोशिश जरूर की जाएगी। इसमें पीआरटी के भी होंगे, टीजीटी के भी होंगे, पीजीटी के भी होंगे, एनवीएस में दोबारा टीजीटी भी होगा और हो सकता है कि दोबारा पीजीटी भी हो जाए। इसके अंदर केंद्रीय विद्यालयों में जो पद हैं उनके बारे में रमेश पोखरियाल जी का यह बयान है। और यह बयान उन्होंने क्यों दिया स्टेटमेंट, क्योंकि रामनाथ ठाकुर ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से सवाल किया था कि देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में हजारों की संख्या में पद खाली है जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, तो उनके कैरियर को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करने वाले हैं। तो इस बयान के जवाब में रमेश पोखरियाल जी ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर भर्तियों के लिए जल्दी ही भर्तियां की जाएंगी, लेकिन फिर भी पद खाली जो पड़े हैं कंटिन्यू वैकेंसी होने के बाद उनको हम जल्दी से जल्दी भरेंगे ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की कमी स्टडी में ना आए और जितने भी लोग डिप्लोमा करके बैठे हैं, डिग्रियां करके बैठे हैं, उनको भी एक रोजगार का रास्ता साफ हो, ये कोशिश किया जा रहा है। आपको ध्यान है कि भारत में 1227 केंद्रीय विद्यालयों के अंदर अगर स्टाफ की बात करेंगे तो 45,000 से ज्यादा स्टाफ है टोटल मिलाकर के अलग अलग फैकल्टीज में, लेकिन केंद्रीय विद्यालय के अंदर बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से, फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक होने की वजह से कहीं ना कहीं ये परेशानी आ रही है और इसको पूरा करने की कोशिश सरकारों के द्वारा समय समय पर की जाती रही है। जब दिसंबर 2018 में एग्जाम हुआ था तो उसके बाद हम कई बार सुन चुके थे कि आएगा, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी और अलग अलग खबरें भी आ रही थी, लेकिन अब जाकर के ये फाइनल स्टेटमेंट आ चुका है। और एक चीज मैं और बता दूं इसकी सीरियसनेस क्या होती है इन चीजों की, क्योंकि जब ये नई सरकार बनी थी तो रमेश पोखरियाल जी ने कहा था कि एनवीएस के खाली पदों को भर दिया जाए और पिछला रिजल्ट एनवीएस पीजीटी का नहीं आया था, उससे पहले दोबारा वैकेंसी आ गई। आप सोचिए कितना असर पड़ता है इन चीजों का। और अब फिर दोबारा बता रहे हैं, कुछ लोग ये कहते बैठे रहेंगे कि पिछला रिजल्ट तो आया नहीं अभी क्या होगा, लेकिन इनसे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, ये पॉलिसियां होती हैं और समय समय पर ऐसा कई बार देखा है कि पिछले रिजल्ट आने से पहले अगली वैकेंसियां आती रही हैं। तो इन चीजों के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा स्टडी के लिए। मैं जहां तक मान के चलता हूं घर पे बैठकर भी आप तैयारी करते हैं तो 5-6 महीने आपके पास कम से कम होने चाहिए। कॉम्पिटिशन टफ है, बार बार बच्चे एग्जाम फेस करते हैं, एक दो 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 नंबर से रह जाते हैं, फिर वो फाइट करते हैं, तो आप सोच सकते हो तैयारियां कितनी अच्छी होती होंगी बच्चों की। आपको भी ये सोचना पड़ेगा अगर आपको उनसे आगे निकलकर सिलेक्शन लेना है। अगर आपको लगता है कि महीना 20 दिन में हम एडमिट कार्ड देख लेंगे, वैकेंसी देख लेंगे, फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद हम स्टडी करेंगे, तो फिर आप स्टडी करते ही रहेंगे, बार बार वैकेंसीज के फिलअप करते ही रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला होता है, क्योंकि कंपटीशन के हिसाब से आपको अच्छा टाइम चाहिए स्टडी करने के लिए और एक मौका आपको मिलेगा तभी जब आप टाइम से तैयारी करेंगे। स्टडी मटेरियल हमारा पूरा मिलता है जिसमें आप सामने बुकलेट देख सकते हो, जनरल पेपर के पार्ट होता है साथ में सब्जेक्ट होता है। जनरल पेपर में भी हिंदी की बुकलेट अलग होगी, इंग्लिश की अलग होगी, कंप्यूटर की अलग होगी, रीजनिंग की अलग होगी, जीएस की अलग होगी, 6 मंथ का करंट अफेयर अलग होगा, यानी अलग अलग बुकलेट होंगी पूरी, यानी 7 से 8 बुकलेट का एक अलग सा पूरा सेट होगा जिसमें आप लोगों को पूरा सेट मिलेगा, चाहे वो एनवीएस का हो, चाहे वो केवीएस का हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, कोई दिक्कत कहीं भी होने वाली नहीं है। अगर आप लोग अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो भी हम आप लोगों के साथ हैं। आपने सिर्फ केवीएस, उसके साथ अपना नाम, उसके साथ अपना लेवल और उसके साथ अपनी सिटी, लेवल का मतलब यहां पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है या प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल जो भी है, आपने केवीएस, उसके साथ अपना नाम और अपना लेवल
उसके साथ सिटी, ये चार चीजें लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देनी है, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा, जो भी जरूरी जानकारियां होंगी डे टू डे की वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, अपडेट रहना हर प्रकार के मटेरियल के बारे में, हर प्रकार की स्टडी और स्ट्रेटजी के बारे में। जिन्होंने पहले भेज रखा है ये नाम वगैरह वो दोबारा ना करें, क्योंकि उनके पास ये सारी चीजें ऑलरेडी जा रही हैं। तो अगर आप लोगों को नोट्स ऑर्डर करने हैं तो 8447410108 इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। जिस दिन आप ऑर्डर करेंगे उसी दिन यहां से कोरियर करके या स्पीड पोस्ट करके, अगर आप गांव में है तो स्पीड पोस्ट चला जाएगा, शहर में है तो कोरियर चला जाएगा, तो आपके पास उसी दिन सेम डे कोरियर करके आपको स्लिप मिल जाएगा। आप एनी टाइम ट्रैक कर सकते हैं आपका कोरियर कहां पहुंचा, यानी जितनी ज्यादा मदद हम आप लोगों की कर पाएंगे उतनी करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन लेना बहुत मैटर करता है आप लोगों के लिए। वैकेंसियां बार बार नहीं आती हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, या तो वैकेंसियां लेट आती हैं या तैयारी हर बार अच्छी नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं कोई चीजें छूट जाती हैं, और वो चीजें छूट जाएंगे तो आप बहुत लेट हो जाते हैं, हो सकता है कि दोबारा आपको ऐसा मौका ना मिले। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी आप अपने आप को संभाल लें और एक टारगेट बनाकर शुरू कर दें उतना ही आपके लिए आसान होगा। स्टडी अगर थोड़ी ज्यादा भी हो जाती है तो कॉन्फिडेंस ही आता है, नुकसान उसका भी कुछ नहीं होने वाला है। यही एक ऐसी चीज है जो ज्यादा हो जाए तो भी हमें फायदा रहता है, और अगर कम रहते तो नुकसान हो जाता है। स्टडी के लिए जुड़े रहिए, जितनी मदद होगी उतनी करेंगे। धन्यवाद।